बलिया बिग ब्रेकिंग। बलिया में नाव पलटने का बड़ा हादसा। 30 लोगों से भरी डेंगी गंगा नदी में पलटी। डेंगी पर सवार सभी लोग गहरे पानी में गिरे। आसपास मौजूद लोगों ने डूब रहे लोगों को पानी से निकाला। अभी तक 3 लोगों की हुई है मौत। गंभीर स्थिति में डूबे लोग जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में भारी संख्या में डॉक्टरों की टीम पहुंची। बलिया के मालदेवपुर गंगा घाट की घटना। नाम आपका क्या है जी? ये घटना कैसे घटी थी, कहाँ? बीच में नाव गए, बीच में नाव मरा गए। अच्छा, कहाँ पे है? हेबतपुर कहाँ? मालदेवपुर। मालदेवपुर जी। कितने लोग बाटी आई है बटन में? यहाँ पे अभी तो हम लोग जितना लोग को सक्षम है बचाने में बचाए हैं, और 2-3 औरत गुजरी हैं अभी। 2-3 गुजर गए सामने। और कितना लोग डूबे हैं? उस नाइट पर कितने लोग सवार थे? 50-60 आदमी होंगे। 60 लोग होंगे। डेट अभी तक कितने डेट हो चुकी है यहाँ पर? यहाँ पर अभी हमारे यहाँ अभी दिखाई में दिए हैं यहाँ हॉस्पिटल में 4 लोग। 4 लोग, बूढ़ी औरत थी। क्या नाम है? हमारा नाम विनोद कुमार चौहान। हमारा घर जोरी थी। हम भी, हमारा वार्ड था, हम भी आए थे। हम लोग नहा रहे थे, डेंगे थे। कौन सा जगह है ये? मालदेवपुर घाट। तब वार्ड में आए थे, उनको ले जाने के लिए ज्यादा व्यक्ति हो गए थे। वो नाई ऐसे ऐसे कर रही थी, कम से कम 50 आदमी हो गए। 50 है, लेकिन बच गए हैं लोग। उसके बाद थोड़ा 1-2 आदमी पैर होगा तो होगा, जितना आदमी है अपने लेके आ जा रहे हैं। ठीक है। नाव कौन सी नाव थी? वो छोटी वाली थी, डेंगी थी। डेंगी थी, डेंगी थी। वहाँ थे चाची। कितने लोग सवार हैं उसमें? भैया करीबन 50 अभी, लेकिन कुछ आदमी को उतारा गया था। ठीक है, लेकिन कम से कम बता रहा हूँ 30-40 तो होगा, इससे कम नहीं होगा भैया। 30-40 छोटी सी मारी, हाँ छोटी डेंगी थी, लेकिन 30-40 तो ज्यादा ही हो गया ना। वहाँ में सबके लिए, सब आपका फैमिली जाते हैं, सब लोग जाते हैं। कितनी दूरी पे पलटा वो? कम से कम दूरी कम नहीं होगा, अब तक 300। आप वहाँ पहुँचे तो कितने लोग को बचाया आप? हम लोग वहाँ पहुँचे करीबन, हम 3 लोग को बचाए, बाहर निकाले थे। एक बूढ़ी चाची थोड़ा उम्रदार थे, उनको हम बाहर निकाले। वो लोग लेकर दूसरे गांव में चले गए थे चाची से। हम तीसरे नंबर से हम गए, इनको भैया कोई निकाल के रोड पे रख रहे थे। हम लोग इनको लेकर आए, भैया का बोलो गाड़ी से लेकर हम लोग हॉस्पिटल आए हैं। इनका कोई जान पहचान अभी वगैरह कोई नहीं है, ऐसा है उनको बात हो जाए वो चले जाए अपने घर। नाव पूरी पलट गई? नाव पूरा पलट गई थी। नाव मतलब जितने लोग सवार थे सभी लोग डूब गए? सभी लोग डूब गए। जो पीपा पुल नहीं है वहाँ पे कोई ऐसा रास्ता जैसा था, कोई ऐसा पकड़, कोई गमछा, कोई साड़ी, जो भी जिसको मिला तो सभी के कोई पकड़ा था। कितने लोग बाहर निकले होंगे लगभग? लमसम भैया निकले तो हमारे जान में 10 लोग तो हम देखे थे। 10 लोग निकाले, तब तक हम लोग को कोई बाहर लेकर जाओ हॉस्पिटल लेकर हम लोग निकाले। बहुत सारा भीड़ थी, उसमें कोई मालूम नहीं चला। कितने लोग को डूबने की आशंका है? डूबने की आशंका तो भैया किसी को नहीं है, किसी को। एक यहाँ से वहाँ तक 500-200 मीटर की दूरी पे एक गई थी, उनको मला जैसे मछुआरे होते हैं वो लोग निकाल लिए, घींच के निकाले हैं, घींच के निकाल लिए। अच्छा, अस्पताल आ पाए हैं? एक्सपायर भी हुआ कोई? हाँ, एक्सपायर एक आदमी हुए हैं। कितना उम्र होगा उनकी? उनका लगभग 40-45 होगा। आज क्या था? आज कोई त्योहार था क्या? आज जोहार है ना, त्योहार मुंडन। ये तो घाट पे और कोई पुलिस की व्यवस्था थी वहाँ पे? पुलिस की व्यवस्था थी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, पुलिस में भी दोष नहीं है, प्रशासन मना कर रही है तो आपको क्या जल्दी है जाने में? हम झूठ बोले तो हमको बोलिए। हम वहाँ नहा रहे थे, एक बड़ी वाली नाई थी भैया, वहाँ पे प्रशासन आए थे, लगभग 4 थे। प्रशासन उसको बोला कि इतना आदमी मत बैठाओ, वो भैया भी लोग चले गए और लोग उतर गए। जो ये डेंगी थी तो पहले निकल गई थी, कम से कम 100 मीटर की दूरी के अंदर। कितने लोग डूबे होंगे लगभग? कोई कितने लोग मरे होंगे? एक ही भैया, जो हम आगे से देखे वही बताएंगे। फिलहाल दो तो अभी तो चल रहा है, पेंडिंग में ही चल रहा है, बचने का संभावना है पूरा। मरने की तो कोई बात नहीं है।